हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, बात करते हैं जी आज की वीडियो की, भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज ट्राई करने जा रहा जी आपके कहने पे एक एक्सपेरिमेंट, मटन प्लस चिकन, बोले तो बकरा प्लस मुर्गा रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना, भाई ये अनोखा एक एक्सपेरिमेंट, क्या बोलते वटेवर, भाई ये जी चिकन, ठीक है, ये जो करीब एक किलो है, करीब क्यों एक किलो है, और भाई ये जी मटन जो कि करीब 750 ग्राम है, ठीक है भाई, करीब नहीं 750 ग्राम ही है, ठीक है। तो करना क्या है, इसको पहले हम कुकर में गलाएंगे, चिकन को हम फ्राई करेंगे, इसको मैंने नमक से मैरिनेट करके रख दिया हुआ है। तो करते जी नेक्स्ट कार्रवाई, तो नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से जी कुकर हमने लगा दिया, इसमें डाल रहा हूं मैं तेल, ठीक है जी, करीब 5 से 6 टेबल स्पून। तो जी तेल गर्म हो चुका है, मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं कड़छी रखूंगा ऐसे टिका के, इसमें डालूंगा जी आधा चम्मच हींग, 3 से 4 लौंग। तो जी डालो जी इज्जत से इसे तेल में, तो जी खुशबू आना स्टार्ट होगी, मसालों से डालो जी मटन सारे का सारा, मिलाओ चंगी तरह से। तो जी अब गैस का फ्लेम हाई करेंगे और इसमें नमक मिलाएंगे लगे हाथ, ठीक है जी, तो मिलाओ जी चंगी तरह से। तो जी हाई फ्लेम कर दीजिए, इस पर ढक्कन रख दीजिए, ठीक है, जब तक मटन थोड़ा बहुत पानी रिलीज कर सके। दोस्तों 6-7 मिनट हो गए जी, इतना ही मटन ने पानी छोड़ा हुआ है, कुछ खास नहीं है, तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, इसमें हम पानी मिलाएंगे जी करीब 1.5 गिलास, थोड़ा मिला मुलू लेंगे, ढक्कन बंद कर देंगे और मटन को केवल हम 70-80% ही गलाएंगे बस। तो जब तक मटन गलता है तब तक हम नेक्स्ट कार्रवाई करते हैं जी, कढ़ाई लगा दी, इसमें डाल रहा हूँ मैं तेल, ठीक है जी, कितना, करीब 10 टेबल स्पून। तो जी तेल जो है वो हल्का फुल्का गर्म हो गया है, मैं कड़छी टिका रहा हूँ, नो रिस्क लेंगे हम भाई, कोई सौतेला व्यवहार नहीं रखेंगे, इसमें भी हम डालेंगे जी आधा चम्मच हींग और 3 से 4 लौंग, ठीक है जी। तो जी मिलाओ इज्जत से इसे तेल में, ठीक है, ध्यान रहे मसाला जलना नहीं चाहिए। तो जी सौंगी सौंगी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है जी, अब मैं इसमें डालूंगा जी चिकन के पीसेस, ठीक है जी, सारे सारे। तो जी कर लो इसे फ्राई चंगी तरह से, ठीक है जी। तो दोस्तों भाई चिकन को मैंने केवल 10 मिनट फ्राई किया, ज्यादा फ्राई नहीं किया, ठीक है जी, मैं गैस का फ्लेम बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ चेक करते हैं कि मीट हमारा गला कितना है, भाई चेक करते हैं कि हाउ मच गला, हाँ गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, इतना ही करा है, नियर अबाउट 70-75% कर चुका है ये। तो जी नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से जी, चिकन मैंने सब निकाल दिया जी पीसेस, ठीक है जी, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ जी तेल, ठीक है, कितना डालूंगा, 5 ही टेबल स्पून, ज्यादा नहीं। तेल जो है अपना हल्का फुल्का गर्म हो गया है, मैं कड़छी टिका रहा हूँ, गैस का फ्लेम लो कर रहा हूँ, इसमें डाल रहा हूँ जी करीब 4 से 5 इलायचियाँ, कितनी है, 4 ही हैं, चलो 5 कर दो इज्जत से, 3 बड़ी इलायचियाँ, 1 दालचीनी बड़ी स्ट्रांग है, 1 चम्मच भाई जीरा, ठीक है, इन सबको इज्जत से भाई तेल में लेके आओ और पकाओ जब तक जो सोंगी सोंगी जो खुशबू है वो बाहर आए। तो जी सोंगी सोंगी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है जी, इसमें डाल रहा हूँ मैं चाप करके भाई जिंजर एंड गार्लिक, ठीक है जी, मिला लो चंगी तरह से, 3 टेबल स्पून भाई लहसुन और 1 टेबल स्पून भाई अदरक चाप किया हुआ, मिला लो हल्का फुल्का ब्राउन होने तक। तो डाल दो जी प्याज भी चाप करके, ठीक है, ये मीडियम साइज के प्याज है जी 4, जो कल लगा लो 250 ग्राम जी, कर लो जी इसे भी अब ब्राउन ब्राउन, ठीक है जी। तो दोस्तों भाई प्याज हमारा हल्का हल्का पिंकिश पिंकिश है, ब्राउनिश ब्राउनिश हो गया जी, मैं गैस का फ्लेम लो कर रहा हूँ, इसमें डाल रहा हूँ जी भाई 3 चम्मच भाई कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी यानी हल्दी, ठीक है जी। तो जी इन सबको चंगी तरह से आपस में मिला मुलू लो। तो जी थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं, हल्का सा हाई फ्लेम करते हैं और इस मसाले को भाई पकाते हैं जब तक ये पानी जो है ना थोड़ा कम हो जाए। दोस्तों भाई मसाला पक गया जी चंगी तरह से, अब मैं इसमें डालूँ जी चॉप किया हुआ टमाटर, भाई कितना टमाटर जी 250 ग्राम चॉप किया हुआ। तो जी इसको मिला मिलू लो चंगी तरह से, भाई मैं नमक मिला रहा हूँ लेकिन ध्यान रहे कि चिकन में भी नमक मिला हुआ है और मटन में भी उसी हिसाब से, ठीक है, ये ना हो कि समझ गया ना, तो मिला लो जी चंगी तरह से। तो जी गैस का फ्लेम लो कर दो और 15 मिनट के लिए इसको पका लो। तो दोस्तों 15 मिनट हो गए, ओ अब करना क्या जी। तो जी मैंने डिसाइड किया है कि मैं बिना स्टॉक वाटर मैं यूज करूंगा मटन को, बस डालो इज्जत से, क्योंकि होगा क्या अगर मैं स्टॉक वाटर डाल दूंगा, क्योंकि इसमें सारा फ्लेवर जो है फिर वो मटन का हावी हो जाएगा इसके ऊपर, तो इसलिए हम केवल मटन का ही यूज करेंगे, नो स्टॉक वाटर यूज करेंगे। तो जी मिला लो चंगी तरह से। तो जी मटन मुटन मिक्स मुक्स हो चुका है, अब करना क्या है, मैं करूंगा कुछ नहीं इसमें, बस केवल 1 टेबल स्पून भाई किचन किंग का मसाला ऐड करूंगा। तो जी मिला लो चंगी तरह से। तो दोस्तों भाई करना क्या है जी, करना कुछ नहीं है, अब गैस का फ्लेम आप लो करोगे, इस पे ढक्कन रखोगे 15 मिनट के लिए, 15 मिनट इसको लो फ्लेम पे पका लो। तो दोस्तों भाई 15 मिनट हो गए, ओ अब हम इसमें मिलाएंगे भाई सारे का सारा चिकन इज्जत से, मिला जी मिलाओ, अरे यार क्या बना रहे हैं आज हम। तो जी इसे भी अब इज्जत से
भाई मिला मुलू लो। तो जी मिला मुलू दिया, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ जी गर्म पानी, ध्यान रहे गर्म पानी केवल एक गिलास, उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं। तो जी इसे अब इज्जत से मिला लो। तो जी मिला मुलू दिया, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ जी करीब एक चम्मच भाई किचन किंग का मसाला बस। तो जी इसे इज्जत से मिला मुलू लो। हाई फ्लेम पे आप उबाल का वेट कर लो। तो जी उबाल आ चुकी है, मैं गैस का फ्लेम अब दोबारा से लो कर रहा हूँ और 15 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे पका रहा हूँ। तो दोस्तों भाई 15 नहीं पूरे 20 मिनट हो गए, और चख लो। ओए ओए देखो देखो, अब मुद्दा ये है कि मटन जो है वो गला है या नो गला है। अरे देखो जरा देखो, ओए मक्खन मक्खन, चिकन तो गली गया होगा। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार है, कोई विरासती मसाला नहीं पड़ेगा इसमें, तो करते हैं टेस्ट। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार हो गए जी अपना भाई बकरा मुर्गा रेसिपी, बोले तो चिकन मटन रेसिपी भाई, यूनिक रेसिपी। ओ भाई देखो यार देखो कोई बनाया होगा ये, कोई नहीं बनाया होगा भाई। ये देखो जी ये मटन का पीस, ये देखो जी मुर्गे का लेग पीस, वड्डा वड्डा आएगा भाई ये जो मसाला। हाँ भाई बनाने के तो बड़े तरीके थे, चलो हमने यही बना लिया भाई। साथ में क्या लिया जी, साथ में कुछ नहीं लिया, नहीं कुछ लिया कुछ नहीं लिया, आज हम इसी को इन्जॉय करेंगे। हाँ और मुद्दा ये है जो इसकी ग्रेवी है भाई वो कैसी है खाने में, क्योंकि मेन मुद्दा वही है। और सारी स्टोरी सुनाऊंगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था और क्या नहीं चल रहा था। लो जी सीटी बज गई। हाँ तो मुद्दा इसके ग्रेवी का, हाँ इसमें किसका फ्लेवर आया होगा, मटन का या चिकन का, बकरे का या मुर्गे का, किसका? भाई देखो जी ये जी प्याज की स्थिति, हाँ देखो जी ये टेक्चर, देखो टेक्चर टेक्चर का ही देखना इसका। आओ टेस्ट देना, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। आ भाई आओ, सबसे पहला फ्लेवर जो आया जुबान पे वो तो इलायची का आया यार। रुको बताता हूँ, सीटी बंद हो गई, आओ। सच में यार बहुत कंफ्यूजन हो रही है, मतलब कि पल के लिए मटन पल के लिए चिकन। उन्हें तो हेडफोन, कभी आवाज़ यहाँ से आती है, कभी आवाज़ यहाँ से आती है, हेलो सीटी आवाज़ यहाँ से आ रही है। यार मैं क्या बताऊँ किसका फ्लेवर एंजॉय कर रहा हूँ। देखो एक डेंजर रेसिपी है यार, नहीं समझ आ रहा मेरे को, क्लिक हो रहा है, कभी मटन कभी चिकन, कभी मटन कभी चिकन, समझ नहीं आ रहा। हाँ अभी स्टोरी सुनाएंगे ना कोई इज्जत से, पहले मैं एक पीस इसके मटन को लेके आता हूँ, ये घंटी कहाँ से बज रही भाई, और एक पीस भाई चिकन के लेग पीस को लेके आता हूँ इज्जत से। पहले हम चिकन के लेग पीस को टेस्ट करके देखते हैं इज्जत से। आ भैया ऑब्वियसली बात है इसमें तो चिकन का टेस्ट ही आएगा ना यार। ऑब्वियसली बात है चिकन का फ्लेवर ही तो आएगा भाई चिकन में, कूट कूट के कूट कूट के। तो अब मुद्दा ये है भाई मटन के पीस को देखते हैं लगा लगा के। हाँ भाई मटन बड़ा प्यारा गला है यार, भाई लगा लगा के आ जाओ जाओ जाओ। ऑब्वियसली बात है मटन का फ्लेवर आएगा, बट मटन का फ्लेवर जो है वो बहुत लिमिटेड लिमिटेड आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम फ्लेवर तो भैया स्टॉक वाटर में निकल चुका हुआ है। बात को फॉलो कर रहे हो आप? मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी बनने को तैयार है, तैयार नहीं होने को है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके चिकन को लेग के पीस को इज्जत से और मटन के पीस को, आना यार निकलो ना इज्जत से, निकलो ना आओ ना यार, अरे आ जा रे आ जा, इसको और इसको दोनों को मिक्स करता हूँ, ठीक है मिक्स मुक्स। तो इसको ग्रेवी के साथ लपेट लपेट के लपेट लपेट के इज्जत से उठाकर लाता हूँ जी अपनी जुबान में। भाई सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा मेरे, सच में कह रहा हूँ सच में कह रहा हूँ, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। मैं खा क्या रहा था, मैं चिकन खा रहा था या मैं मटन खा रहा था, कुछ पल्ले नहीं पड़ा।
यार क्या ड्रामा ही हो रहा है। अब मुद्दा ये है कि मैंने स्टॉक वाटर क्यों नहीं यूज़ किया मटन का, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि होता क्या कि मटन का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, स्ट्रांग। अगर मैं स्टॉक वाटर को चिकन के साथ मिला मुलू लेता तो सारे का सारा जो फ्लेवर है वो मटन का आ जाता, तो हम किस तरह का एक्सपेरिमेंट कर पाते, नहीं कर पाते, समझ नहीं आता क्यों, क्योंकि वहाँ पर तो मटन जीत गया होता। तभी करके मैंने गर्म पानी मिलाया जी लास्ट में, और मैंने कोई सौतेला व्यवहार नहीं रखा किसी के साथ में भी। भाई इसे भी मैंने हींग और लौंग से उसे भी हींग और लौंग से समझे मेरी बात को। बाकी ले दे के बात करना चाहता हूँ यार, ठीक है एक्सपेरिमेंट के लिए सही है यार, बट अब कहीं अब बना नहीं देना, चलो बना लेना जो मेरे भाई है बना लेना, देख लेना हाँ। बाकी इसके बनाने के तरीके और भी बहुत सारे हैं, बट हमने इस तरह से इस मेथड से ट्राई किया। आप मुझे कमेंट करना कि आप किन किन मेथड से इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करोगे। अब आप पूछोगे कि भैया अब तो बता दे कि अब लास्ट में तू कहना क्या चाहता है, ऑब्वियसली बात है भाई लास्ट में कहना क्या चाहता है भाई इस रेसिपी के बारे में, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई पैसा वेस्ट रेसिपी मुर्गा भी मटन भी यार दोनों वेस्ट, कोई ऐसा नहीं है, बट एक्सपेरिमेंट के लिए अच्छा है। आपने मुझे बोला करने को, हमने कर दिया। भाई अब किंग वेट कर रहा है, किंग भी तो देखे कि कौन मेरे पे हावी है, चिकन या मटन। तो लो दोस्तों भाई किंग की एंट्री हो चुकी है, देखो भाई किंग तो आज बड़ा खिला खिला लग रहा है, आज तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। देखो देखो 1, 2, 3 और 4 हो गया, लेकिन आज ज़्यादा नहीं हुआ यार, थोड़ा ही हुआ। तो करना क्या जी, अब मैं एक ग्रेवी लाता हूँ इज्जत से, इस रहता हूँ साइड पे, इस साइड पे। आज सीटियाँ बहुत बज रही है, आज सीटियाँ कुछ ज़्यादा ही बज रही हैं। तो अब मैं करूँगा क्या, मैं यूँ करूँगा, इसे उठा के यूँ लाऊँगा। हाँ कैसी रेसिपी ना भाई, और चिकन को लेके आऊंगा इज्जत से इसके भीतर, और इसे मैं खाएगा। नॉर्मल नॉर्मल टेस्ट, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं, मतलब ग्रेवी में जो रिएक्शन हुआ भाई किंग के साथ में वो नॉर्मल रहा, कुछ ऐसा अलग फील नहीं किया मैंने। तो आ भाई अब हम मटन को लाएंगे इज्जत से। आ भाई मटन तू भी आ जा, आ भाई बैठ जा मटन के पीस, आ भाई आ जा। वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी खास फर्क नहीं है। ग्रेवी में वही टेस्ट आ रहा है जो आ रहा है, मटन अपना वही टेस्ट दे रहा है जो दे रहा है, चिकन अपना टेस्ट वही दे रहा है जो दे रहा है, अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। बट जो ग्रेवी है वो कहीं हद तक भाई चिकन ने उस पर कब्जा कर रखा हुआ है, चिकन के फ्लेवर ने, क्योंकि मटन का भाई यार ना इंसाफ ही हो गया ना यार तो भाई ये स्टोरी है। तो दोस्तों भाई ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी है, इसको जज करना इतना आसान नहीं है हाँ, बट पैसा वसूल रेसिपी भी नहीं है यार, समझे मेरी बात को आप। तो आप एक बार जो मेरे शौकीन बंदे हैं वो ट्राई कर लेना, और अपना मैथड भी बता देना मेरे को कमेंट में कि आप कैसे बनाओगे इसको, अगर कब बनाना होगा आपको तो है ना। तो दोस्तों भाई ये था जी बकरा मुर्गा चिकन मटन रेसिपी, तो अभी देख लीजिए नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।